गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गया, सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं गर्मी के टाइम में इतना दिन जाता है, सूर्य भगवान इधर निकल रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि हमने जो है इस अमरूद के लिए पानी का व्यवस्था कर दिया है और उसमें वीडियो मैंने दिखाया था कि उसके पत्ते आपको कैसे दिख रहे थे, मुरझा गया था ना, लेकिन कल मैंने पानी डाला था। तो आज आप उस वीडियो पर जाइए और इस वाले वीडियो पर आप कंपेयर करिए कि कितना चेंजेस आ गया। बहुत चेंजेस आ गया है और एकदम हरा भरा हो गया है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा नहीं दिख रहा था जैसा मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया है। अभी पानी डालने के जो फ़ायदे हैं आप देख सकते हैं, इनसे हमारा जीवन है, पानी इनको चाहिए, हमको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें इन्हें बचाना है और पानी भी बचाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पूरा पानी डालने का व्यवस्था कर दिया है ये सब, और अब काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और हरे भरे हो गए हैं, कुछ नए पत्ते भी निकल रहे हैं, नए नए छोटे छोटे आँखें। तो ऐसे में पेड़ जब हरा भरा रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आइए दिखाते हैं दूसरा वाला। मैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा था, ये है एलोवेरा का और ये पपीता है, तो इसमें भी पानी डाल दिया, ये भी सूखने लग गया था, तो अभी ये सब हरा भरा हो रहा है। और दूसरा वाला अमरूद आपको दिखा देते हैं, जो मैंने बताया था कि आपको दूसरा वाला अमरूद है वो भी सूख रहा था, तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया है, ये भी हरा भरा हो गया है। ये है दूसरा वाला अमरूद, ये आप देख रहे हैं। तो अभी जो है पौधे बच गए हैं, अब अच्छे से जो है ये पानी देखभाल करेंगे और नल भी पानी देने लगा है, तो अब इसमें डालते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो इस टाइप का अच्छा लगता है कि नहीं, डेली ब्लॉगिंग का जो जिस टाइप का मैं बना रहा हूँ, अगर वीडियो में कुछ सुधारना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अच्छा लगा हो, पेड़ को मैंने बचाया ऐसा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।